हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वजिता सिविल सर्वेंट चैनल। आज मुझ को होम साइंस पेपर वन कौ भाई भाव में आंसर राइटिंग करा जाए एवं कौ भाई भाव में टॉपर मैंने आंसर राइटिंग करती से मुझे आप देखी एवं जो कॉपी हम को ओपीएससी तरफ रू मिली आम जो आरटीआई फाइल कर जो कॉपी आम आनीचु से कॉपी भी मुझे देखेबी डायरेक्ट ओपीएससी कॉपी सेटा एवं ये कॉपी द्वारा ये जो आंसर सीटा ओपीएससी जो मैंने अच्छा मेम्बर जो मैंने कॉपी चेक कर खाता चेक कर से माने चेक कर तो चलतु आम वर्तमान फास्ट आज देखा जेहेतु मो पाखे मात्र ओनली जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू थी से मुझे बनई बर्तमान आम ज्योग्राफी पेपर वन ज्योग्राफी पेपर टू होम साइंस पेपर वन होम साइंस पेपर टू एति हिं कवर कर ट्राए कर बर्तमान चलते आप जानते या पूर्व दुटा ऑप्शनल दबा पड़ा दुटा ऑप्शनल दबाक पड़ता गोटे प्रति ऑप्शनल 3600 मार्क्स था तो प्रति ऑप्शनल दुटा पेपर थी गोटे पेपर वन गोटे पेपर टू सपोज मुनकर ज्योग्राफी आ होम साइंस नी तो मत ज्योग्राफी पेपर दुटा पेपर दबा पड़ता ज्योग्राफी पेपर वन आ ज्योग्राफी पेपर टू आउ होम साइंस भी सेम दुटा पेपर गोटे होम साइंस पेपर वन आ गोटे होम साइंस पेपर टू तो चलो आज बर्तमान आम देखा होम साइंस पेपर वन कॉपी तो बर्तमान ये होम साइंस पेपर वन क्वेश्चन पेपर टा आपण मैंने देखिपारे होम साइंस मु क्वेश्चन सहित मुझे डिस्कसन कर ट्राए करी आंसर एवं एटा हूँ एटा हूँ बर्तमान होम साइंस पेपर आंसरटा मार्क केते मार्क मिले टोटल मार्क हो 300 रु रखिं 194 एवं वन ए रे रखिं वन ए रे 12 मार्क वन बी अटेंड करना वन सी रे भी 12 मार्क माने 20 मार्क रु 12 मार्क वन सी रे 12 मार्क वन डी रे 8 मार्क टू आई रे अटेंड करना टू दुटा एटा भी अटेंड करना थ्री आई भी अटेंड ना 3 AA भी अटेंड ना फोर आई रे 20 मार्क 4 AA रे 18 मार्क पाँच पाँच एटा अटेंड ना पाँच बी पाँच ए रे 13 मार्क पाँच बी रे 12 मार्क पाँच सी रे 10 मार्क तापर पाँच डी रे अटेंड ना तापर सिक्स ए रे 32 सिक्स बी रे 12 एवं सेवेन ए सेवेन बी अटेंड ना एट रे टोटल 45 मार्क्स है ओवरऑल ले सब तो मिसले 194 होम साइंस पेपर वन जोटा कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क मत मो मत मैंने सब बढ़िया मार्क अच्छे तो देखा कौ भाई भाव में भाई आंसर लिखिं से आंसर को कौ भाई भाव में डिजाइन कर लिख तो प्रथम क्वेश्चन टा देखिए प्रथम क्वेश्चन टा ए एक नंबर ए बी सी पड़ी एक नंबर ए बी सी रे बैंक कोड़े मार्क कोड़े मार्क कोड़े मार्क तीन टाक षाठी मार्क कराया पड़ो भाई ए बी सी तीन टाक कर बीटा छाड़ देटा कर तो ये 12 मार्क ये 12 मार्क 20 रु 12 20 रु 12 ये 20 रु 8 मिल 20 रु 12 12 12 8 मिल तो चलतु बर्तमान देखिया क्वेश्चन कहला तो खाता टोटल टोटल आम जो कर देखिए फास्ट क्वेश्चन 8 नंबर रु स्टार्ट 8 नंबर भाई स्टार्ट कर 8 नंबर डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट स्टेजेस एंड डेवलपमेंटल टास्क एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू ईच स्टेज ऑफ द फैमिली लाइफ तो फैमिली लाइफ रे कौन कौन प्रॉब्लम अच्छे से लिखाला फैमिली लाइफ यू 8 नंबर स्टार्ट 8 नंबर रे बिगनिंग ऑफ फैमिली लाइफ एक्सपैंडिंग ऑफ फैमिली लाइफ ग्रोइंग ऑफ फैमिली लाइफ सब लिखा है 8 नंबर रे केते जेतु 60 मार्क क्वेश्चन गोटे पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 6 पेज एटा भी सेमती 7 पेज पाखापाखि 7 8 8 पाखापाखि लिखा है 7 एटा भी से फैमिली लाइफ रे जाउ डेवलपमेंटल टास्क 8 9 10 टोटल 10 पेज ही लिखिं टोटल 10 पेज ही लिखिं क्या
जो आठ जो आठ नंबर टेन पेज ही लिखें अवश्य टे छाड़ 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 लिखें कि आठ पेज टोटाल लिखाई तो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट है पांच नंबर ए कर पांच नंबर ए रे क्वेश्चन अच्छी डिस्कस द स्टेजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या पाँच द स्टेजेस ये लिखले एवं जेहेतु यहाँ ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन से टोटल के लिखाई गोटे पेज दि पेज तीन पेज ही लिखाई तापर नेक्स्ट आसला पांच नंबर बी जो आप षाठी मार्क क्वेश्चन सात पेज लिखा पड़ो एवं कोड़े मार्क क्वेश्चन दि तीन पेज लिखा पड़ो अढ़े पेज तीन पेज लिखा पड़ो तापर आसला बी एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट तो बी रे सेमि लिखाई गोटे पेज दि पेज एटे तीन पेज ये मतलब छोटे गोटे डायग्राम इनक्लूड होपर सी रेमती सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट रे एटा भी ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन ने गोटे पेज दि पेज आटा भी सेमती तीन पेज चार पेज एति ही लिखाई तो जेहेतु छड़ा छड़ी टोटल चार पेज ही लिखाई तापर छ नंबर एक कथा कह छ नंबर एक फास्ट था फोर्टी मार्क्स छ नंबर एक था फोर्टी मार्क्स था क्वेश्चन था एक्सप्लेन इन डिटेल्स इन फिजिकल एंड इमोशनल मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन लेस देन फाइव इयर्स चिल्ड्रन रेहतु चालीस मार्क आ गए कोड़े मार्क दुटा क्वेश्चन था तो ये चालीस मार्कटा केते पेज लिखाई छ नंबर एक गोटे पेज दि पेज तीन पेज चार पेज पांच पेज छ पेज सात पेज पखापाखी लिखाई सात आठ आठ पेज चालीस मार्क आठ पेज लिखिंट एवं ये मत देखिपारे भाई ये सब सब पॉइंट दे कि लिखाई एवं डायग्राम भी भितर भितर सबुत पॉइंट एवं सब हेडिंग्स दिया सब हेडिंग्स भी दिखाई ता छड़ा आउ डिफरेंट टाइप रि मान जहाँ भी कराई सब से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट से भाव में करना कि पॉइंटिंग पॉइंट दे कि कर छ नंबर बी चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ओल्ड एज ओल्डेज्रे कौन कौन चैलेंज आ प्रॉब्लम फेस्ड हुए तो यहाँ भी सही जेहे कोड़े मार्क ओल्ड एज लिखा एवं ओल्ड एज्रे वन टू दि पेज मात्र कोड़े मार्क दि पेज ही लिखाई नेक्स्ट आसला चार नंबर नेक्स्ट आसला चार नंबर डिफाइन द फूड अडल्ट्रेशन तो फूड अडल्ट्रेशन विषय में पचराई जेहतु फूड अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेशन कौन जेहतु यहाँ के मार्क फूड अडल्ट्रेशन हो थर्टी मार्क्स चार नंबर थर्टी मार्क्स गो वन टू थ्री फोर ए थ्री तीन पेज थर्टी मार्क्स पर तीन पेज लिखाई तापर बी डिफाइन द फूड क्वालिटी एंड डिस्कस द बीआईएस एफएसएसआई कॉम्प्लेक्स अलिमेंटर्स एंड एजी मार्क कंट्रोलिंग फूड क्वालिटी तो यहाँ भी सेमती कैसे चार नंबर बी कथा कह चार नंबर बी भी यहाँ भी सेमती फूड क्वालिटी गोटे पेज दि पेज ये सेमती तीन पेज एजी मार्क तीन पेज जेहेतु से फूड क्वालिटी पचारे एजी मार्क पचारे एजी मार्क भी या भितर रहा हूँ एक नंबर को आसल भाई एक नंबर अच्छी एक नंबर वन टू आउ एक ए बी आउ डी ही कराई तो एक नंबर रे डिफाइन द इम्पोर्टेंस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सीरियल्स सीरियल्स विषय में पचार बताने सीरियल्स विषय लिखाई सीरियल्स आर द
cereals are the seeds or grains of the ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପଢି ହେଉନି ଫ୍ୟାମିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଦୁଇ ପେଜ୍ ଏଇଟା ତିନି ପେଜ୍ ଲେଖା ହେଲା ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିରିଏଲ୍ରେ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏକ ନମ୍ବର ତା'ପରେ ସି ଏକ ନମ୍ବର ସି ତା'ପରେ ଆସିଲା ସିରେ ଆସିଲା ଡିସ୍କସ୍ ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ତ ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲେଜ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଲା ଏଠି ଫୁଡ୍ ସ୍ପଏଲେଜ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଲା ଏକ ଦୋ ତିନି ପେଜ୍ରେ ଲେଖିଲେ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡି ଡିଟା ହେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଡାଏଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଲେଖା ହେଲା ଡିଟା ୱାନ୍ ଟୁ ପେଜ୍ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଭରାଲି 194 ମାର୍କ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଛି ଭାଇଙ୍କର 194 ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ଏ ଅପ୍ସନାଲ୍ ମୋର ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ୱାନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ଖାତା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆଣିଥିଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ମୋର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଏଇଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।